देखिए, मैं आप लोग के सामने फिर एक लेक्चर लेकर आ गया। 7.2 को हम सॉल्व कर रहे थे हम लोग मिलकर। आप लोग को मैं पहले ही बोला था कि देखिए, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये ऐसा चैप्टर है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। और जितने भी लोग अभी अभी भी नहीं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं, तो मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसी के साथ मेरा कल जो 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था, तो उसमें लास्ट में मेरी वीडियो बंद हो गई थी। इसकी वजह से कंप्लीट सॉल्व नहीं होने पाया था, इसलिए मैं इसमें 10 को पहले कंप्लीट कराऊंगा, फिर चलूंगा आगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई जरूर करें और इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि यदि आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सोचिए कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं छोटा छोटा चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको समझना होगा, पढ़ना होगा। चलिए, हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए आगे हम लोग पढ़ा जाए। 10 क्वेश्चंस की बातें कर रहे थे हम। 1 माइनस रूट एक्स, 1/x - √x इसकी बातें हो रही थी, जिसमें मैं आप लोग को बताया था कि सबसे पहले इसे क्या किया जाता है कि आप इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक, यहां से आप काट दीजिए कि यहाँ पे एक्स को आप रूट एक्स, यहां तक तो हो ही गया था, √x - 1 dx तो हम लिख सकते हैं, यहां तक भी आप सीख चुके थे। जब आप √x - 1 = t लिखेंगे, यानी इसको हम कुछ मानेंगे, जब आप इसका डिफ्रेंसिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, इसकी 0 हो जाएगी, यानी dt और यहाँ पे dx, तो 1/2 √2x + dx / = 2। अब हम इसी के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ हम वैल्यू को पुट करेंगे। आप जब पुट करेंगे तो आपका जो क्या है 1/2, यानी dt के जगह पे ये 2 क्या हो जाएगा, 1/2 तो नहीं है, तो यानी 1/√x dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो 2, ये वाला 2 1/2 है, तो ये जाके यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? तो जब आप इसको 2, यानी 2 आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आप इसकी जगह पे dt लिख लेंगे और 1/t dt हो जाएगा। क्लियर हो रखा है? चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं log t + constant c, यानी 2 log, और t की जगह पे आप क्या रखेंगे, तो √x - 1, ये आपका आंसर है। तो हमें लगता है आप ऐसा कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। तो उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, और आप लोग पढ़ाई जरूर करते रहें। और जितने भी लोग नए जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग से मैं कहना चाहता हूं कि आप जरूर वीडियो देखें, और यदि अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग जरूर देखें, नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो इसीलिए सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें। √x + 4, हमें इसको सॉल्व करना है। इसे हम क्या करेंगे, पहले आप इंटीग्रेशन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो x + 4 dx हो जाएगा, और फिर इसी को हम देखिए क्या लिखेंगे, आप इसी में 4 को ऐड कर लीजिए और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अब आप पूछेंगे कि 4 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। तो हाँ, क्या रीजन है कि हम इसे इस रूप में बनाना चाह रहे हैं कि कुछ कट जाए। देखिएगा, आप इसको और इसको अलग पार्टों में बांट लीजिए, यानी अलग कर लीजिए, और इसको भी आप अलग कर लीजिए, तब क्या होगा, देखिए, x + 4 √x + 4 ये आपका 1 में हो गया, माइनस 4, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 4 √x + 4 dx। क्लियर हो रहा हो? चलिए, हम यहां से देखिए क्या करेंगे कि आप x + 4 को √x + 4 × √x + 4 तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इसके जगह पे लिख लीजिए, तो लिखिए
एक्स प्लस फोर टू एक्स प्लस फोर बाय टू एक्स प्लस फोर डी एक्स तो होगा, फोर आपका कॉन्स्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, रूट लगाना ना भूलें। इससे ये आपका कट रहा है, क्यों काट दीजिए, क्या होगा आपका, काटिएगा मत, देखिए सब काटा नहीं जाता है, बस दिखावा दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स प्लस फोर रूट में आपका हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रूट, यदि देखिए यदि हम इसे x प्लस फोर ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू डीएक्स हो जाएगा, क्यों होगा। अब हम इसी को आगे कर लेते हैं, यहां जब आप इसी को यहां कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, देखिए जब x प्लस फोर है रूट में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस फोर वन बाई टू डीएक्स हो जाएगा माइनस फोर, यहां भी वही आप लिखेंगे, ये तो मान लीजिए पहले से था डीएक्स। हमें लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा जब आप, हाँ जब आप इसको आप इंटीग्रेट करेंगे यानी इसको, तो क्या होगा, a के पावर n प्लस वन वाला ही फार्मूला के यूज हम लोग करेंगे, a के प्लस n क्या होते हैं, a के प्लस n, a के प्लस n प्लस वन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब x प्लस फोर यानी वन बाई टू प्लस वन यानी थ्री बाई टू हो जाएगा, यह भी थ्री बाई टू हो जाएगा, क्यों, तो ऐसा है कि आप x प्लस फोर थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू माइनस फोर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको भी आप सेम प्रोसेस वही करेंगे यानी माइनस टू वन बाई टू यानी टू यानी वन बाई टू हो जाएगा, यानी x के पावर फोर वन बाई टू फिर वन बाई टू, क्लियर हो रहा होगा, प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी x प्लस फोर थ्री बाई टू माइनस ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा यानी 8, और ये आप इसे रूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रूट में हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप यहां तक भी करके छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप देखिए यहाँ पे यह भी रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आप रूट में भी बदल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रूट में आंसर जो दे रहा होगा वो रूट में वो और नीचे किया होगा तो आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लें। देखिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है, आप मेरा जो इससे पहले जो कंसेप्ट वाली वीडियो है, आप यदि 1 से 10 और इसका जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हूं आप उसे देख लेंगे तो मैं कहता हूं कि पूरी चैप्टर आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें और इससे पहले वाला वीडियो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं आप जाकर उसको जरूर देखें और उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप यदि पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चन आएंगे, और मैं आप लोग से बार बार कहना चाहता हूं ये सब क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो हर एक साल कंपटीशनों में लाइक आईआईटी में पूछे जा रहे हैं, आप जरूर इसको पढ़ें। x का क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लें, x के पावर 5, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में तो लिखना होगा, फिर आप क्या करेंगे कि देखिए x के पावर 5 है तो x के पावर q इंटू x की स्क्वायर तो लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर
चलिए आगे देखिए, आप इसको आप कुछ मान लीजिए, मान ली यहां पे क्या होगा, 3x का स्क्वायर dx dt क्यों होगा। अब देखिएगा जब आप एक्स से क्यू माइनस वन की जगह पे क्या टी, तो 1/3 हो जाए, क्यों होगा। एक्स के क्यू के जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो यहां से आप एक्स के क्यू के जगह पे ये वाला देखिए माइनस में उधर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स के क्यू के जगह पे आप वन एंड सॉरी टी प्लस वन लिखेंगे, और एक्स के स्क्वायर की जगह पे 1/3, यहां पे एक्स के स्क्वायर dx है, आप dt लिखेंगे। डन, समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे कि जब आप देखिए अब 1/3 है आपका बाहर आ जाएगा, ये देखिए 1/3 प्लस वन, यानी आप इसको ना सॉल्व कर रहे हैं, यानी 1/3 प्लस टी के पावर वन, यानी टी 1/3 प्लस वन हो जाएगा, क्यों। तो ये आपका होगा यानी टी के पावर 4/3, जी आप इसका जब करेंगे तो 4/3 होगा माइनस डी टी प्लस टी के पावर 3 1/3 dt प्लस अभी कॉन्स्टेंट मतलब है, पहले इसको सॉल्व देखिए 1/3 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब वही हाँ ए के पावर एन प्लस ई के पावर ए के पावर एन बराबर ए के पावर एन प्लस वन होता है एन प्लस वन, इसी फार्मूले पर अब यूज करेंगे हम लोग, ये आपका हो जाएगा 4/3 यानी 3 एन ए के पावर 7/2, फिर आप 7/3। तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, यानी टी के पावर, वहां से आप देखिए कैसे हम किए समझ में आ गया होगा, एक जगह पे टी है तो आप क्या करेंगे कि 3 यानी 7/3 बटे 7/3 प्लस यहां देखिए 1/3 है, आप फिर क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, यानी टी के पावर 4/3 बटे 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमें लगता है कि आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, यहां पे आपका ये चेंज हो जाएगा, यानी 1/7 कैसे चेंज हो रहा है देख लीजिए, ए आप ऊपर जाएगा 1/7 यानी टी के पावर 7/3 प्लस 4 यानी 3/4 टी के पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये जो 1/3 है इसमें भी होगा, तो 1/3 यहां भी होगा बिल्कुल, क्यों, तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि 1/3 है तो ये दोनों में ना मल्टीप्लाई करेगा, क्यों, तो ये 1/3 यहां पे भी हो जाएगा। अब तो चलिए आगे हम लोग बातें करें, इसके ठीक इसी जगह देता हूं, ये आपका 3 से 3 कट रहा है, यानी 1/7 टी के पावर 7/3 प्लस इससे यह भी कट जाएगा, यानी 1/4 टी के पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब टी की वैल्यू पुट किया जाए, एक्स का क्यूब माइनस वन 7/3 प्लस 1/4 एक्स का क्यूब माइनस वन 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कॉपी और पेन लेकर जरूर आप लोग बैठा कीजिए, जिससे कि आप लोग करते भी चलिए साथ साथ और इसे नोट भी करते चलिए। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा तभी आएगा। मैं फिर आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा।
चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हम लोग करेंगे। एक्स का स्क्वायर 2 + 3 एक्स का क्यूब बाय एक्स का क्यूब। ध्यान देने वाली बातें अब है कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, फिर अब इसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें क्या आंसर है। सबसे पहले आप इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखिए, ये तो भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको कुछ मानिए, ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएट अब कीजिए। जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यहां लाकर पूरा करेंगे, यानी 3 3 9 एक्स का स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी एक्स के स्क्वायर dx बराबर 1/9 हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। आइए एक्स की स्क्वायर डीएक्स की जगह आप क्या रखेंगे, तो 1/9, यानी 1/9 आपका कांस्टेंट है सर, बाहर आ जाएगा डीटी। 2 + 3 एक्स का क्यूब, इसकी जगह पे आप टी का क्यूब हो जाएगा, क्यों इसकी जगह पे आप रखेंगे तो टी का क्यूब, डीटी तो लिखना, डीटी सॉरी डीटी तो आप लिख ही चुके, तो 1/9 यहां पे टी के पावर -3 dt होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए यहां पे भी ए के पावर n+1, ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर n+1, n+1 तो यहां पे -3 है, तो आप -3 + 1 करेंगे या -3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी है ना जी, टी भी लिख लीजिए, टी के पावर -2 और -2 हो जा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, टी के पावर -2/2, तो प्लस कॉन्स्टेंट सी भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए माइनस में है, तो माइनस में लिख लो आप, तो -18 हो जाएगा, और टी के पावर ये नीचे आ जाएगा, टी के पावर स्क्वायर प्लस सी हो जाएंगे, इसको आप यहां लिख लीजिए, यानी -18, और टी के जगह पर आप कुछ मान चुके हैं तो आप उसे पुट भी कर लीजिए, का स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हुआ 13th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखेंगे, 14th क्वेश्चन। देखिए 14 अबे अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, लिख ली। आइए देखते हैं फिर आगे सॉल्व इसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसको आप कुछ मानिए, इसको log x, तो जब आप log x को आप t मान लेते हैं तो 1/x dx इक्वल टू dt होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो चलिए आगे हम लोग बातें करें, तो 1/x ये वाला और dx की जगह पे आप dt पुट कर देंगे, और इसकी जगह पे t के पावर m हो जाएगा, dt तो आपका है ही, आप इसको t के पावर -m dt होगा, बिल्कुल। अब यहां पे आप जो फार्मूला का यूज करेंगे वो तो क्या करेंगे, ये करेंगे बस कॉन्स्टेंट सी, टी के जगह पे क्या लिखेंगे आप, तो टी के जगह पे लॉग एक्स m-1 - m+1 -m+1 + कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये देखिए ये क्वेश्चन मैं बता दूं बहुत ही खूबसूरत है यार, इतना खूबसूरत कि तारीफ कम है इसकी। आइए देखते हैं हम लोग,
प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप भी जिस तरह से कहा गया है आप भी इंपॉर्टेंट ही है अपने लाइफ के लिए। तो कहा जाता है कि कभी कभी आप तो खुद ही कहते हैं लाइफ में, हमारे लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन सी हम लोग बातें कर रहे हैं, 15 पे आइए बातें कर रहे हैं। x by 9 minus 4 x का स्क्वायर, देखिए इसे अब पहले आप इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, dx हो जाएगा। अब करेंगे नीचे वाले को लेट, ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस 8 x dx dt, क्लियर है? हमें लगता है कि आपका क्लियर है, तो कोई बात नहीं, 8 को यानी x dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब इसके जगह पे आप कुछ रखेंगे, किसके जगह पे, इसके जगह एक्स डीएक्स के जगह पे यानी माइनस 1 बाई 8 हो जाएगा, यानी 1 बाई टी डीएक्स, यानी 1 बाई 8 लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, यानी माइनस 8 और लॉग टी के जगह पे कुछ आप उन तो करेंगे, या आंसर है आंसर। कोई बात नहीं, सब क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या आपसे कह रहा है भाई, कुछ तो कह ही रहा होगा, कुछ कह रहा है देखिए। 16 क्वेश्चन, हमें लगता है कि कुछ जरूर कह रहा है, तो क्या कह रहा है चलिए देखते हैं भाई, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो हमसे कह रहा है, ठीक है। हमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप उसे कुछ मानेंगे, किसे जो ये दिया है, आप इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, लिख भी लिया हूं। तो चलिए देखते, जब इंटीग्रेशन फॉर्म में आप इसे लिख चुके हैं तो अब क्या करेंगे, अब उसी को हम लोग को